गलती कर देते, मल्टीप्लिकेशन वगैरह में भी गलती करती वो। नेक्स्ट बाबू, वो सिंगल डिजिट का था, अभी हम लोग क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लिकेशन टू डिजिट नंबर। मल्टीप्लिकेशन बाबू ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर। कल हम लोग सिंगल वाला किया था बाबू, आज दो डिजिट वाला करेंगे, दो डिजिट वाला करेंगे, है ना, दो डिजिट वाला करेंगे। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। हाँ नैतिक, 900 वीडियो एकदम साफ मतलब क्लियर आ रहा है, अभी ठीक हो गया। चलो ठीक है, कहाँ हो जाता, ठीक है तो है जी, इधर रहो तुम। इसका दो तरीका, क्वेश्चन नंबर 29 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जैसे पहले बच्चा वाला करते हैं, वन टू बाबू पहले बच्चा वाला करेंगे, वन मल्टीप्लाई, जैसे वन टू सबसे बच्चा वाला, वन टू मल्टीप्लाई, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है। अच्छा ठीक है, वन टू को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसको क्या करना, वो मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले सिंपल वाला, सबसे सिंपल, सबसे सिंपल, है ना, सबसे। वीडियो कैसे बंद हो गया है बाबू नैतिक, देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, वीडियो हाँ अभी बंद हुआ था। एक बाबू आपका जो मम्मी वाला मेथड है, कैसे मल्टीप्लाई करते दो डिजिट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू मल्टीप्लाई वन कितना, टू होगा, ठीक सर, पहले ट्वेल्व का मल्टीप्लिकेशन वन से करो, वन मल्टीप्लाई वन वन होगा, फिर टू का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना, टू वन जा कितना, टू, और इसको फिर इसका वन वन जा वन हो जाएगा, तो टू हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना, 132 हो जाएगा, ठीक। सेकेंड मेथड, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सर हाँ सर, आप तो डायरेक्ट भी निकालने के लिए बताए थे ना। हाँ अभी बता रहे हैं, ये कितना बाबू, वन टू है और क्या है, वन वन है। देखो कैसे करोगे ना, नैतिक एक लाइन में कैसे करना, देखो श्वेता, ये आपका बाबू स्कूल में बाबू मम्मी वाला मेथड आपको सब जानते बाबू, एक लाइन में कैसे, एक लाइन में कैसे करोगे, देखो कैसे करना बाबू, इसको साइड साइड से मल्टीप्लाई करना, तो टू बन जा कितना, टू, टू लिख देना, ठीक, शांति से समझना, साइड साइड से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो नंबर बच गया इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, वन वन जा कितना सर, वन, वन टू जा कितना सर, टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, वन वन जा वन, वन टू जा टू, दोनों को ऐड कर देना, वन प्लस टू कितना, थ्री, तो थ्री लिख देना, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, वन वन जा कितना, वन, है ना, तो ऐसे भी करोगे 132, ऐसे भी करोगे 132, लेकिन ये वाला आसान है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, जब तक सीखोगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। जैसे बाबू 12 है बाबू, अब मल्टीप्लाई करना कितना बाबू, 12 से 300 में आ गया था ना वो बाबू, सब्ट्रैक्शन का था, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई, बाबू मम्मी वाला मेथड स्कूल मेथड में, इसको 12 को इसको 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 2, ये 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया मम्मी मेथड स्कूल वाला मेथड। हम लोग स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, स्मार्ट वर्क सेकेंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, इधर सेकेंड मेथड, 12 है, शांति से समझना, और यहाँ 12 है, तो कैसे करेंगे, देखो जिसको जिसको नहीं समझ में आए इसमें समझो, टू टू जा कितना होगा, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर, इसको इससे करेंगे, वन टू जा कितना, टू सर, इसको इससे करेंगे, वन टू जा कितना सर, टू सर, टू प्लस टू मम्मी कितना पढ़ाई है, फोर पढ़ाई, ऐड कर देना, प्लस फोर हो जाएगा, यहाँ भी ऐड कर दोगे, फोर हो गया, फिर साइड में इसको वन वन जा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ऐसे करो आंसर सेम आएगा, लेकिन ये आपका फास्ट मेथड है, लिखिए आगे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग को करते हैं, अभी बेसिक बेसिक।
बेसिक बेसिक वाला कर रहे हैं, इसमें धीरे धीरे हम लोग टफ करेंगे। तो दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। लिखे सीतन लिखे, ये मम्मी वाला मेथड भूल जाएंगे, मम्मी वाला मेथड भूल जाएंगे सर, कभी कभी बहुत जरूरत पड़ जाएगा। नहीं बाबू, दो डिजिट वाला सारे जगह वैलिड है, कैसे नो क्वेश्चन रहा है सर। लेकिन आप जो एलसीएम बताते हैं हम लोग उसको नहीं करने देते, बोलते हैं कि ऐसा कौन सा एलसीएम है तुम गलत करती हो। बोलिए ना आंसर आ जाता ना, आपको सीधा आपको नहीं पता था गलत हो गया, ऐसे थोड़ी है। आपके मास्टर को नहीं पता था ऐसा थोड़ी बहुत गलत हो गया। आपके मास्टर के पास बाबू मर्सिडीज गाड़ी अथी लैम्बोर्गिनी नहीं है, तो इसका मतलब थोड़ी बाबू की लैम्बोर्गिनी गाड़ी किसी के पास है या नहीं है। कि नहीं बाबू लोग लैम्बोर्गिनी गाड़ी रहता है ना बाबू, पाया जाता है ना बाबू, किसी न किसी के पास होता है ना जी। हेलो यस सर, दुबई में सबसे ज्यादा है। दुबई में है ना आजकल बाबू, आज्ञा भी हमारी तेज हो गई, दुबई की बात करने लगी है। दुबई सबके पास होता है, मैं तो सऊदी अरब की बात करता हूँ। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, बच्चे अब आजकल एडवांस हो गए बाबू, गांव में भी रहकर दुबई की बात करते हैं। वाह, जल्दी लिखे जल्दी लिखे, समझा नहीं थे एक नहीं समझ में आएगा, आगे हम लोग समझाएंगे। हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे, ये सेकंड वाले मेथड को फॉलो करेंगे बाबू, है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है ना, फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है। नेक्स्ट बाबू 31 नंबर, अभी बेसिक बेसिक कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करेंगे। बेसिक सर, लास्ट वाला बच रहा है सर, लास्ट वाला लिखे 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 नहीं थे। जल्दी लिखे बाबू, ये श्वेता समझी शैतान, होमवर्क कैसे गलती कर देती बाबू। श्वेता सर, मल्टीप्लिकेशन में भी दिक्कत है जिंदगी में बाबू, बताइए कैसे तेज बनोगी श्वेता। शैतान अभी आप 4 में चल गई, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है बाबू, अभी आयुष नहीं आया है जी। सॉरी जैकी ना, वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ये भूमिका से तान क्लास का नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 31 नंबर, 31 नंबर। अभी हम लोग बेसिक बेसिक चल रहे हैं, है ना, स्लो स्लो। जैसे बाबू 12 मल्टीप्लाई बाबू 13 रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा तो कैसे करेंगे सर। एक मेथड वही 3 2 जा कितना सर, 6 सर, 1 3 जा 3 सर, 2 1 जा 2 सर, 1 1 जा 1। एक तो ये मेथड है बाबू, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 156 हो गया, है ना। हाँ सर, सर मैं सही है मल्टीप्लाई 3 13 कैसे करेंगे बोले, देखो कैसे करें बाबू। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 2 3 जा कितना 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ऐड कर देना, 3 प्लस 2 कितना बाबू 5 होता है, तो 5 लिख देना, और 1 1 जा 1 होता तो 156 हो गया, है ना। तो धीरे धीरे आगे जाके बाबू ये लाइनिंग का आ रहा है जी, चल गया।
धीरे धीरे आगे जाके हम लोग इसी को एडॉप्ट कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अभी आपको दोनों बता रहे, फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे। हेलो, हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। आइए दिव्यांशी बाबू का क्लास। सर आपका म्यूट, सर आपका म्यूट ऑफ। सर आपका म्यूट है। सर आपका म्यूट। सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से कर रहे हैं। हाँ दोनों से करना, दोनों से करना, दोनों से करना। जल्दी करो, जल्दी करो शैतान, जल्दी कीजिए। यस सर। साइड प्लीज सर, क्वेश्चन उतार। देखो इसको कैसे करो, मम्मी कैसे पढ़ाई है। वन टू जा टू, टू टू जा फोर, वन टू जा टू, टू टू जा फोर, ऐसी पढ़ाई है ना। सिक्स फोर, इसको ऐड करते हैं सर। 462 462। देखो शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। वन टू जा, इधर इसको मल्टीप्लाई करो। वन टू जा टू, टू टू जा फोर, डायरेक्ट ऐड करो। इधर फोर टू वन जा टू, फोर और प्लस टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। और टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में ऐड करेंगे। लिखिए बाबू, लिखिए, समझा नहीं थे, थोड़ा थोड़ा समझा बाबू। यस तो समझ गया। हाँ बाबू, लिखो 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 सर। हाँ बाबू सर, इसकी अगर 22 का मतलब 22 और 22 टू का टू और टू कैरी 22 टू जा 44 प्लस 45 सर 46 भी तो एक ऐसा मेथड है सर। हाँ वैसे मेथड है, तो उसमें बड़का में आ जाएगा बाबू, तो बड़ा में आ जाएगा मेरा लाल, तो सोचना पड़ जाएगा उस मेथड से। बाबू 20 को बाबू ये 20 को टू टाइम्स पढ़ लीजिए, फिर उसको बाबू वन टाइम्स पढ़ के ऐड कर दो, तो उसमें छोटका के लिए वैलिड है। लाइनिंग आ रहा है। हाँ मेरे लाल लाइनिंग। हाँ बाबू बोलो। नहीं तो लाइनिंग सर 32 नंबर में जो सेकंड में आ रहा है लाइनिंग, अरे सुन लिए शैतान, गला फाड़ रहा है सब बाबू। अच्छा दे रहे हैं। सर अभी पूरा फुल एचडी आ रहा है। चलो लिखा बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, लिखे हो, लिखे हो। जल्दी लिखें। आंसर। वेरी गुड। हम लोग धीरे ऐसे आगे जा जाकर हम इसको छोड़ देंगे, ये वाला मेथड को हम लोग छोड़ देंगे और इसी को अडॉप्ट कर लेंगे, है ना बाबू। और कुछ कुछ स्पेशल नंबर है बाबू, जिसको देखने के साथ बिना कापी कलम का बाबू उठाए हुए, है ना, बिना कापी कलम टच किए हम लोग आंसर लाएंगे कुछ कुछ क्वेश्चन में बाबू, है ना, एकदम देखो आंसर आ जाएगा। कुछ कुछ के लिए वैलिड है, सारे के लिए नहीं वैलिड है। ये जो मेथड है वो सारे के लिए वैलिड है। दो डिजिट में दो डिजिट को मल्टीप्लाई करना रहेगा, दो से दो डिजिट को, तो इसी तरह ज्यादा लाइट आ जा रहा है।
अच्छा ठीक है सर, फ्रंट कैमरा से आता ही बाबू, कर रहे हैं बैक वाला कैमरा कर रहे हैं। दो डिजिट से जब भी दो डिजिट मल्टीप्लाई करना रहेगा तो इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से करेंगे। ठीक हो, कितना होगा? 33 नंबर हो जाएगा बाबू। यस सर 33। नेक्स्ट जैसे बाबू 23 मल्टीप्लाई कितना है 24 है। तो एक तो मेथड बाबू ये वाला है, मम्मी वाला मेथड, इसको हम छोड़ देंगे थोड़ा देर के बाद, इसको छोड़ देंगे, अभी बता देते हैं कैसे करोगे बाबू। 3 को 4 से करोगे, 3 4 जा 12 कैरी 1 हो गया, फिर 2 को 4 से करोगे, 4 2 जा 8 और कैरी 1 कितना हो गया 9 हो गया। 3 को इसको साथ करना, 3 को 2 के साथ करना 6, 2 के साथ 2 4 2 करना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, कैरी 1 बच गया तो इधर एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये एक मेथड हुआ, ये मम्मी मेथड हो गया है ना बाबू। इधर हम लोग कैसे करेंगे बाबू, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, 2 3 2 4 है, एक लाइन में कैसे करेंगे सर, देखो कैसे करना, देखो देखो लोग, शैतान देखो, श्वेता सालनी बाबू, अंशिका यस सर मेरा सही आंसर आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा कितना सर 12, तो 12 का 2 लिखेंगे कैरी 1 देंगे, 3 4 जा 12 होगा ना, तो 12 में 2 लिखेंगे कैरी 1 देंगे, जैसे यहाँ 12 का 2 लिखे ना उसी कैरी 1 देंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 2 जा 8, इसको इससे करो 3 2 जा 6, ऐड कर दो एक कैरी, उसको भी ऐड कर देना, तो 8 9 15 हो जाएगा, तो 15 का हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 15 के बाबू हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, कैरी 1 बच गया, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना 4, एक कैरी 1 था 5 हो गया, तो 552, ऐसे करो चाहे ऐसे करो बात बराबर है। तो ये देख दो कितना में होता बाबू, एक लाइन में हो जाता है। 34 नंबर बाबू, जैसे बाबू 24 बाबू मल्टीप्लाई कितना रहे बाबू 22 रहे, इसको मल्टीप्लाई करना, तो एक तो ऐसे करो बाबू जैसे मम्मी बताई बाबू उस तरह से करोगे है ना, 4 2 जा 8, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 हो गया इधर, एट हो गया, 12 हो गया, 5 हो गया, 528 हो गया। ठीक, इसको शॉर्टकट से कैसे करो बाबू, शॉर्टकट से कैसे करोगे, आ रहा समझ में नहीं, कि नहीं आ रहा जी, ऊपर ऊपर पार हो रहा बाबू सर, आ रहे सर समझ में आ रहे, तो जानता था पहले से कि नहीं जानता था, भोला सर जानता था सर, आप करवा चुके हैं। अच्छा करवा चुके बाबू, यस सर, चलो अच्छी बात है। 4 2 जा कितना होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 2 जा कितना 4 और 4 2 जा कितना 8 सर, 4 + 8 कितना हो जाएगा बाबू, 14 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 + 8 कितना 12 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, इधर से बाबू मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 528। अब हम लोग बाबू इसको छोड़ देंगे, इसी को अब हम लोग करेंगे, इसी को प्रोसीड करेंगे। सर आपने वहाँ पे जैसे 1 ये आपने 4 8 वहाँ पे नहीं लिखा है, आपने जो 33 नंबर के स्मॉल वाले साइड में जो लिखा है बोला मेथड, कहाँ बाबू कहाँ 4 में था, कहाँ 4 बाबू आलोक, सर आपने सर प्लस सर हम लोग प्लस आपने सर 2 2 2 ना सर, वहाँ वैसा भी यानी 34 नंबर में आपने नहीं किया, यहाँ डायरेक्ट आपको ऐड करने के लिए, और डायरेक्ट कर सकते हो कोई दिक्कत, यहाँ डायरेक्ट ऐड कर लिया बाबू, डायरेक्ट कर लिया। ओके सर, डन सर, डन सर, वेरी गुड बाबू, डन सर। सर कुछ क्या करी हो रज्ञा, और रज्ञा क्या कर रही बाबू सर, कुछ नहीं, तो खेल क्यों रहे बाबू सर,
सुप्रिया खेल रही है। बनाने के लिए दीजिए ना। दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। अभी तो बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन करवाए ना जी, इसमें अभी बहुत बड़ा बड़ा भी आएगा। सर नहीं। जल्दी लिखे सलोनी, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे बाबू। सलोनी श्वेता बैठ जाती है, दोनों शैतानी करते रहते हैं। आयुष नहीं है बाबू। कौन खट खुट कर रहा बाबू, बहुत पीटेंगे। जल्दी लिखो श्वेता सलोनी। म्यूट करो बाबू। कर दिया सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 नंबर, 35 नंबर। देखो अब हम लोग बाबू इसी तरह से करेंगे, जैसे 33 बाबू और 32 है, अब उतना नहीं करेंगे, एक लाइन में करेंगे। अब सीखो कैसे करना बाबू, जल्दी से कैसे करना, जल्दी से सीखे बाबू। पहले हम लोग साइड साइड से करेंगे, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 32 जा कितना 6 सर, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 32 जा कितना बाबू 6, और 33 जा कितना सर 9 सर, ऐड कर दो। 6 प्लस 9 कितना सर 15, 15 का 5 लिखेंगे, कैरी वन बच गया। थ्री थ्री जा नाइन सर, 9 प्लस 1 कितना सर 10 सर। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट बाबू 33 बाबू और 35 है, एक लाइन में मल्टीप्लाई करना, एक लाइन में। तो हम लोग कैसे करेंगे बाबू, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा कितना सर 20, तो 20 में 0 लिखेंगे, ठीक। 2 कैरी हो गया, 5 को 3 से, 3 को 4 से, 5 3 जा कितना सर 15। ऐसे बाबू आप लोग थोड़ा तेज हो गए ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी बता रहे हैं। 3 4 जा 12 बाबू, और 2 कैरी था उसको भी ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा 29, 29 में क्या लिखेंगे, 29 में 9 लिखेंगे, कैरी कितना बच गया 2 बच गया। 3 जा कितना 9 सर, 9 प्लस 2 कितना 11। तो इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। लिखिए बाबू, कैमरा पीछे वाला कर रहे हैं बाबू, ग्लेयर करता है इससे। क्या गप कर रहा है लोग, ए लोग शैतान क्या गप कर रहा है। आपको बाबू पर्सनल भी नैतिक दिक्कत रहेगा तो पूछिएगा बाबू नैतिक। राजनंदिनी मैम से पढ़ रही नैतिक? यस सर। राजनंदिनी पढ़ रही मन से बाबू? यस सर। दोनों में तेज कौन है बाबू? वो देखो पीछे से पिटाई कर रही है आपका, पढ़िए बाबू। अच्छा ठीक है, आपको बाबू राजनंदिनी से आगे निकल जाना, वो 2 साल वो 6 में ना बाबू नैतिक? यस सर। आप सर 4 में? हाँ, तो 2 साल में आपको उसको जितना पढ़ाएंगे उतना ही आपको पढ़ाएंगे, सिलेबस दोनों का सेम ही रहेगा बाबू, आपका स्कूल भी कवर हो जाएगा, इधर भी कवर हो जाएगा। तो वो उसको बाबू 8 में जाते जाते बहुत सारा बात सीखेगी, आप 6 फिनिश होते होते सीखोगे, दोनों का दिमाग तो सेम है बाबू, अंतर तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है। सर कुछ बना, सर कुछ अभी क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, दे रहे हैं। बैक कैमरा करते सीता, चलो नहीं ग्लेयर कर रहा। तो आपको 6 एंड होते होते आपको हम बहुत सारा चीज सिखा देंगे बाबू, और उसका राजनंदिनी थोड़ा लेट से है तो लेट से सीखेगी। अब जो 2 क्लास में आ गया
तो उसको फिफ्थ होते होते बाबू फिनिश हो जाएगा सर। हाँ बाबू, भैया बोल रहे कि मैं सीखू ना तो अच्छा है। उसको कूटेंगे बाबू, पढ़ता नहीं है, खाली पेन लेके घुमाते रहता है। नेक्स्ट बाबू 35 नंबर, मैंने को दे दिए 37 हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको करो तो जल्दी से। कौन बच्चा करता है एक लाइन में? अभी छोटा छोटा दे रहे हैं। 44 मल्टीप्लाई अगर 44 करते, जल्दी से करो, जल्दी से करो। भोला कौन करता है? एक लाइन में करना है ना बाबू, डोंट यूज बाबू ओल्ड मेथड है ना, आपको एक लाइन में करना बाबू, एक लाइन में करना। हम लोग इसी मेथड को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बाबू आपका क्या है, फास्ट मेथड है ना, जल्दी से होगा। तीन तीन लाइन लिखने से बचेंगे। 42 मल्टीप्लाई 40, थर्टी मल्टीप्लाई सिक्सटी। ठीक है, हो रहे हैं 46 अब 48 करो तो जल्दी से। चीटिंग नहीं करना, प्लस बाबू फास्ट करना। मान लो आपके पास 6 क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर 1 मिनट में सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो बाबू आप किसी को भी हरा सकते हैं। कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाओगे। ये सब बेसिक आपका सही रहेगा ना बाबू, तो फिर बाबू बहुत आगे तेज हो जाओ, आगे दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा बच्चा को यही नहीं सही होता है। सर 42 नंबर बना रहे हैं, जल्दी करो। सर कोई लोग तो फर्स्ट मेथड यूज करके भी आंसर लाकर भी कर सकते हैं। नहीं, आपको हम जैसे पढ़ा रहे हैं इसी तरह सीखिए, आप उसको भूलने की कोशिश कीजिए। सर कंप्लीटेड। चलो नैतिक, एक मिनट बाबू देखते हैं। देखो तो मेरा नैतिक बना लिया बाबू, कहा नहीं बन रहा है श्वेता बाबू, साल नहीं बाबू। हेलो, देखिए बाबू, देखो सदा कैसे करेंगे बाबू। ये सब तो सबसे हो गया, ये वाला सबसे हो गया। यहाँ 00 है बाबू, 00 है ना बाबू। तो एक तो तरीका ये बाबू, 34 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 10 10 20 ऐड कर दो। नहीं तो बाबू इसको ऐसे कर देना, 00 से पहले मल्टीप्लाई करता है। 00 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0 होगा। साइड साइड को दो शॉर्टकट में तो कैसे 00 से मल्टीप्लाई करना, 0 हो जाएगा। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू 3 को 0 से करो, 4 को 0 से करो, तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 होगा। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा कितना 12 हो जाएगा। देखो इसको कैसे करोगे, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 3 को 0 से 0, 6 को 0 से 0, 0 प्लस 0 0, ये बाबू 6 को 3 से, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, क्या देख रहा है लोग,
नेक्स्ट सेशन इसको करना। 8 6 का कितना सर 48 होता है, 8 6 का कितना होता है 48 होता है, तो 48 का हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे कैरी 4 हो गया। इसको इससे 8 4 जा कितना सर 32 और 4 6 जा कितना 24, नहीं होगा तो इधर ऐड कर लेना 8 4 जा 32 4 1 जा 24 और बाबू कैरी 4 है, कैरी 4 है, 4 ऐड कर दो सारा का सारा, तो 4 4 8 2 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, तो 60 का हम लोग क्या लिखेंगे 0 0 लिखेंगे। अब 4 4 जा 16 है, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा सर 22 हो जाएगा, 22 तो इस तरह से ऐड करेंगे, इस तरह से ऐड करेंगे। कुछ कुछ आप लोग को हाँ शैतान हाँ DIY दे रहे हैं, दे रहे हैं, उसका लोग का फिर डाउट बताना, बता देते लोग। आपको LCM SF निकालने बताया, लेकिन 2 से ज्यादा नंबर रहेगा तो उसको हम लोग बताएंगे, बताएंगे आप लोग को। इसका पहले बना के लगे एक बाबू है ना बाबू, थोड़ा बड़ा बड़ा हम लोग देते बाबू 47 ना 48 बाबू, इसको मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में 43 नंबर क्वेश्चन, 49 को मल्टीप्लाई करना 48 से, डिवाइड सिखाऊंगा। अब इसमें बहुत है बाबू, ये तो आसान वाला है, अब इसमें बहुत सारा टाइप है, सब सारा का सारा माइनस होगा, सारा का सारा प्लस होगा, फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, फैक्टर होगा, बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना भी है। इतना ही है ऐसा, इतना ही देंगे और नहीं देते हैं बाबू, देते हैं ना। कल हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 50 नंबर से शुरू करेंगे। डन सर। अच्छी बात है शैतान, बहुत जल्दी लिख लेता जी। सर आपके साथ ही लिख रहा था। सर मैं जाऊं कहाँ जाएगा, कल नहीं आया था उसका कैसे होगा पिटाई बाबू, डन सर कल नहीं, डन सर कल नहीं आएगा तो आया था उसका हिसाब कैसे किताब कैसे किया जाए बाबू, चलिए वो ठीक है जाइए बाबू, देखो वो नैतिक को 2 मिनट बता देते हैं, 2 मिनट ठीक है, जय बाबू शैतान। सर बैच बैच की का क्या बोलते हैं ज्योमेट्री टॉपिक क्या बोलते हैं वीडियो भेज दीजिएगा, नहीं भेजे बाबू ज्योमेट्री वाला सर, क्या लाइन ऑफ पॉइंट है बट रे सब नहीं है, देखिए बाबू। यस सर। अच्छा खोजना हो देखते बाबू, यूट्यूब पे तो होना चाहिए बाबू, सर मैं यूट्यूब में भी देखी बट नहीं है, नहीं होता क्या बाबू कि बाबू इतना टेंशन रहता दूसरे प्लेलिस्ट में चल गया होगा, चाहे देखेंगे खोजेंगे बाबू, खोजना पड़ेगा है ना
सर मेरा सब पैर बन गया बट रे रे का नहीं बना। अच्छा ठीक है, किसी से भिजवा देंगे। राजनंदिनी बढ़िया से लिखे, फोटो खींच के भेज देगी वो। सर हम लीव हो जाए। ठीक है जाइए, भूल जाइए। बाय सर। बाय बाय। देखो नैतिक, इधर ए दिया नैतिक, इधर बी दिया भोला, इधर एस सी एफ दिया हुआ, इधर एलसीएम दिया हुआ, यही भोला दिया हुआ वो। यस सर, यही दिया हुआ। पहला नंबर ए में क्या दिया बोलो, कितना मल्टीप्लाई किया हुआ? सर 2 × 3 × 3। बी में क्या है? सर बी में 2 × 5 × 7। देखो एलसीएम एस सी एफ कैसे निकालना, जो दोनों में मिलेगा, जो डिजिट मिलेगा वही एस सी एफ हो जाएगा। दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। yes, तो एससीएफ के 2, एलसीएफ 2 हो गया है ना। ठीक, अब जो चीज एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो चीज मिल रहा है उसको एक के बार लिखना, 2 मिल गया तो एक बार लिखेंगे, बाकी क्या कि ये बाबू ये नहीं ना मिला बाबू, ये वाला नहीं, ये नहीं मिला बाबू, ये वाला नहीं ना मिला, तो 3 लिखेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे, 3 × 3 × 5 × 7 यही एससीएफ एलसीएम हो जाएगा। जो चीज मिलेगा उसको एक बार लिखना, और जो चीज नहीं मिल रहा उसको कंटिन्यूअस लिख देना है ना, एलसीएम में उसी करेंगे। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन बोलो, क्या कर रहा है 2 नंबर बोलो? तो 2 नंबर है 2 × 3 × 5। 2, 3, 5 है, इसमें क्या है? सर 3 × 3 × 5। तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है देखो, कॉमन क्या है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 जो कॉमन है वही एलसीएफ हो जाएगा। तो 3 या 5 क्या है, कॉमन है, तो 3, 5 क्या हो जाएगा, एससीएफ हो जाएगा। समझा नहीं थे? यस सर। बच हो गया 3, 5 को एक बार, इसको एलसीएम हो जाएगा, ये एससीएफ 3, 5 लिख दिया। अब बाकी बच कौन गया, 2 बच गए बाबू, 2 हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ से और कौन बच गया, इसमें से 3 बच गया, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना बाबू? यस सर। और उसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई 5 × 3 = 15, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3 = 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 कूट देंगे पकड़ के, पूरा मल्टीप्लाई करना भोला। सर नहीं, मैं बी का बता दिया हूँ, बी का क्या होगा, 45 होगा। हम ये कर रहे हैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, नेटवर्क आपका स्ट्रक हो रहा है, नेटवर्क स्ट्रक हो रहा है नैतिक। यस सर। नहीं दिख रहा बोर्ड बाबू? सर बोर्ड तो दिख रहा है सर, लेकिन अटक गया बोर्ड, अटक गया नेटवर्क आपका स्ट्रक हो रहा, डाटा नहीं बचता बाबू, खत्म हो जाता क्या? नहीं थे
नैतिक नैतिक शैतान नैतिक बाबू आए बाबू यस सर यस बोर्ड दिख रहा आपको बाबू नैतिक सर नहीं दिख रहा बोर्ड नहीं दिख रहा बोर्ड नहीं दिख रहा तो कैसे हो जाता बोर्ड दिखता तो बाबू कॉल करके बात हो जाता बोर्ड नहीं दिख रहा नैतिक को तो क्या किया जाए चलिए बाद में बता देंगे भोले बाद में बता देंगे ना तो आधा समझ गया ना बाबू ऐसा समझ गया हाँ तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं बाकी डाउट रहेगा तो फिर पूछ लीजिएगा कल लास्ट में बता देंगे ठीक है नैतिक गुड नाइट बाबू डाटा बचा के रखे नैतिक डाटा बचा के रखे बाबू